सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेलो ऐप को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेलो ऐप। दोस्तों, आपने नेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसपे आपको बताया गया होगा कि ऑनलाइन गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन ये बेस्ट ऐप है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये सारी बेस्ट ऐप है। तो उस सारी वीडियो के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और आप देख रहे हैं हेलो ऐप। दोस्तों, जो भी आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे लड़के सर्च करते हैं, ज़्यादा लड़कियां नहीं करती, लड़के करते हैं ये सर्च की हाउ टू मेक गर्लफ्रेंड ऑनलाइन। तो ये सारी वीडियो आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारी आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे ऐप के बारे में बताया जाता है, वो कुछ प्रैक्टिकल करके भी बता देते हैं कि देखो ये बात हो रही है, आप भी कर सकते हो, ये डाउनलोड कर लो। लेकिन मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये सारी एक फेक वीडियो है। ऑनलाइन ऐसी कोई साइट नहीं है जो आपको गर्लफ्रेंड बना के दे। हाँ, ऑनलाइन डेटिंग साइट होती है, लेकिन ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बनाने की साइट नहीं होती है। अगर आप कोई भी वीडियो देखकर वैसी ऐप डाउनलोड कर ले रहे हो जिस पे आपको बताया जा रहा है कि ये वीडियो डाउनलोड कर लो, उस पे आपका नंबर मांगा जाता है, उस पे आपको ईमेल आईडी मांग के आप रजिस्टर्ड कर रहे हो, उसके बाद आप देख रहे हो लड़की सर्च कर रहे हो या लड़का सर्च कर रहे हो, तो ये सारी फेक है। इससे क्या नुकसान होगा आपके मोबाइल को, आपके डाटा को, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब भी ये ऐप आप डाउनलोड करते हो तो उस पर पहले रजिस्टर्ड करना होता है। तो रजिस्टर्ड आप करने के लिए आप अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल करोगे, अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल करोगे, पासवर्ड डालोगे, साइन इन करोगे, अपना नाम डालोगे, फोटो डालोगे और साइन इन कर दोगे। दोस्तों, अगर आपके उस ईमेल आईडी से आपका फेसबुक अकाउंट हो या आपका जीमेल अकाउंट हो तो वो हैक हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी फेसबुक आईडी तभी हैक हो सकती है, अनदर कोई बहुत मुश्किल हैक करना। लेकिन अगर आपका फेसबुक का ईमेल आईडी किसी और बंदे के पास चला जाए जिस कंपनी का कोई ट्रस्ट नहीं है, आप प्ले स्टोर पर जितनी सारी ऐप आप देखते हो वो सारे ट्रस्टेड ऐप नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे फेक ऐप भी होते हैं। जैसे फेसबुक पर लाइक कैसे बढ़ाए, एक मिनट में 1000 लाइक हो जाएगी, यूट्यूब वीडियो पर एक मिनट में 1000 व्यू हो जाएंगे, ये सारे फेक ऐप हैं। तो उससे आप अगर अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर उस पर डालते हो तो उससे आपकी फेसबुक आईडी या जीमेल आईडी हैक हो सकती है, क्योंकि ये ट्रस्टेड ऐप नहीं है, इसलिए आपकी आईडी हैक हो सकती है। और जब भी आप उस ऐप को आप ओपन करोगे तो आप अगर डाउनलोड करते हो उस ऐप को तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वो ओपन करने में बहुत टाइम लेता है, लगभग 1 मिनट 2 मिनट ऐसे लग जाते हैं, चाहे आपकी मोबाइल 4 GB रैम वाली हो या 3 GB रैम वाली हो या 8 GB रैम वाली हो, लेकिन वो ऐप ओपन होने में टाइम लगता है, क्योंकि वो ऐप आपके प्रोसेसर पे इफ़ेक्ट करता है, आपके जो मोबाइल का प्रोसेसर होता है उस पर इफ़ेक्ट करता है वो, क्योंकि प्रोसेसर वो जो ऐप बनते हैं ना उसमें ऐड भी बहुत सारे लगे होते हैं। आप फेसबुक ऐप में ऐड देखे हो कभी कि ओपन करते पहले आपको ऐड दिखाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है? नहीं होते, लेकिन उसमें ऐड होते हैं। तो वो एक पैसे कमाने के लिए वो लोग बनाते हैं, क्योंकि जो ऐप होती है वो भी मोनेटाइज गूगल एडसेंस द्वारा होती है, तो देन वो पैसे कमाने के लिए ऐसी ऐप बनाते हैं। तो अगर आप उस पर रजिस्टर्ड करते हो और वो ऐप डाउनलोड करते हो तो उससे दो नुकसान आपको हो सकते हैं, आपकी आईडी हैक हो सकती है। जैसे अगर आप अपनी जीमेल आईडी से वो ऐप पे आप अपनी रजिस्टर्ड कर रहे हो देन आपकी जीमेल आईडी भी हैक हो सकती है, एंड अगर उस जीमेल आईडी से आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाए हो तो वो भी हैक हो सकती है। देन ये नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन ऐसी कोई ऐप नहीं है जो आपको गर्लफ्रेंड बना के दे, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर मैं भी यूट्यूब पर सर्च कर रहा था तभी मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। देन उसके बाद दूसरा नुकसान बताता हूँ आपको, जब भी वो ऐप आप डाउनलोड कर लेते हो तो उस पर आप लड़का, जैसा लड़का हो आप लड़के ढूंढोगे तो उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं कि 200 रुपये दो, 300 रुपये दो, 400 दो, $5 दो, $10 दो, $200 दो, तो ऐसे पैसे मांगे जाते हैं। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, उस पर पैसे लगा देते हैं, लेकिन वहीं पर उनका कट जाता है अच्छे से। तो आप पैसे लगा देते हो तो वहाँ पर तो आपको क्या लगता है कि लड़की आपको मिल जाएगी, लड़की बात कर लेगी? कोई लड़की नहीं होती, कोई बात करने वाला नहीं होता। अगर आपसे कोई चैट करता है ना तो कंप्यूटर करता है। उसके बाद आप देखोगे बहुत जल्दी, अगर आप डाउनलोड किए होगे तो आपको पता होगा बहुत जल्दी उसमें कॉल लगाते हो, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये सारे चीज़ होते हैं। देन आपकी उसे आपको 3 सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। वो अगर ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको 3 फैक्ट भी पड़ेंगे आपके। देन पहला आपका फेसबुक आईडी, जीमेल आईडी, ये सारी चीज़ हैक हो सकते हैं। दूसरा आपका मोबाइल स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐड आते हैं, वायरस अटैक बहुत होता है मोबाइल पे, वो आपके मोबाइल के प्रोसेसर को डैमेज करेगा, ठीक है। तीसरा आप पैसे लगा हुए, देन पैसे आपके डूब जाएंगे।
तो इन सारी फ्रॉड ऐप से बच के रहें। हाँ, ऑनलाइन डेटिंग साइट होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन डेटिंग साइट होती है, लेकिन ये सारे फेक होते हैं। ऑनलाइन डेटिंग साइट भी कुछ साइट है जो ट्रस्टेड है, नहीं तो और ट्रस्टेड नहीं है। देन ऐसी वीडियो से आप बच के रहें तो अच्छा है, क्योंकि इससे आपके पैसे बचेंगे, मोबाइल भी बचेगा एंड आपकी आईडी भी बचेगी। देन अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक में किसके बारे में वीडियो, कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँ। तो तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।